नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी की टीम पहुंची है मुंबई, जहां पे आज हम मौजूद हैं नल बाज़ार में, जो कि मुंबई में स्थित है। हम अपने एक दर्शक के घर पहुंचे हैं उनकी सेहत का हाल जानने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कल्पना जी की, जो जुड़ी हुई हैं हकीम साहब से। हकीम साहब के नुस्खे अपना रही हैं, हकीम साहब की दवाइयाँ खा रही हैं। तो मौसम कैसा भी क्यों ना हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमें जानना है आप लोग अपना ख्याल घर बैठे बैठे कैसे रख रहे हैं। तो हकीम साहब के आदेश अनुसार, जैसा कि एक मुहिम की शुरुआत की जा रही है, हम अलग अलग शहर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, कस्बे जा रहे हैं और सभी पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्पना जी, जो कि नल बाज़ार में रहती हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? 49 ईयर्स। मेरे घर में मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, हम तीन लोग रहते हैं। जी, तो कोई काम आप करती हैं या फिर हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ हूँ और साइड में साड़ी का फॉल लगाने का काम करती हूँ। अच्छा, हकीम साहब से कैसे जुड़ी? मेरे रिलेशन में कि एक जन ने बताया था कि हकीम साहब के यहाँ दवाई अच्छी मिलती है। मेरे बॉडी में बहुत स्पेन हो रहा था और हाथ पैर भी दुख रहे थे, इसलिए मैंने हकीम साहब से मुलाकात करके फिर वहाँ से दवाई लिया, तो मेरे को अभी बहुत आराम मिल रहा है। मिल रहा है आराम आपको? इससे पहले भी कोई ट्रीटमेंट फॉलो किया है आपने? फैमिली डॉक्टर से दवाई लिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए फिर मुझे हकीम साहब का एड्रेस मिला, तो फिर वहाँ से मैं दवाई लिया, तो मेरे को बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, हकीम साहब की दवाइयाँ आपने एक तो कब तक खाई और आपने कौन सी दवाई खाई थी? मैंने हकीम साहब की दवाई एक डेढ़ साल से लिया है। अभी उनके यहाँ से कलौंजी प्राश लिया, तो मेरे को बहुत आराम मिल रहा है। बहुत आराम मिला। जब आपने कलौंजी प्राश खाना शुरू किया, तो आपको कितने दिन में असर दिखने लगा? मेरे को कम से कम 2-2.5 महीने में असर दिखने लग गया था। दिख गया था? तो जब आपको असर दिखना शुरू हुआ, तो आपके मन में मैम ये भावना आई कि मैं ठीक हो सकती हूँ? ओके, अच्छा, एकदम अच्छा लग रहा था, इसलिए लग रहा था कि अभी बहुत अच्छा हो रहा है इसमें। अच्छा, आपको परेशानी थी मैम, आपको पेन था, तो जब घर का काम करने में आपको दिक्कत आती होगी दर्द की वजह से, आप जैसे कि फॉल लगाती हैं, सिलाई का भी काम करती हैं, तो ऐसे में भी कुछ ऐसा आपने देखा कि आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, कभी ऐसा भी लगा कि पता नहीं मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी? नहीं, दवाई खाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ठीक हो रहा है, इसलिए मैंने दवाई चालू ही रखी थी। हाँ, अच्छा, जब आप पहले डॉक्टर से दवाई लिया था तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, बाद में थोड़े थोड़े दिनों में स्पेन होने लग रहा था। ठीक है, आपके जरिए कुछ और लोगों तक भी हकीम साहब के नुस्खे पहुँचे? हाँ, मैंने 2-3 जन को एड्रेस दिया था, अभी वो वहाँ से ले रहे हैं दवाई। ले रहे हैं? हाँ। तो उनका क्या फीडबैक है, वो आराम है उनको या फिर अभी दर्द है उन्हें भी? आराम है। घर में कोई नुस्खे बनाती हैं हकीम साहब के? नहीं, अभी तो कुछ बनाया नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है ना। अच्छा। घर का सब काम मैं खुद करती हूँ और बाहर का भी थोड़ा फॉल लगाने का काम करती हूँ। अच्छा। आपको जो दर्द की तकलीफ थी वो कितने साल पुरानी थी? मेरे को ज़्यादा नहीं थी, अभी कम से कम 2-3 साल पहले की थी। हाँ। मैं काम चालू किया था तो मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि उम्र के हिसाब से होता है ऐसा, लेकिन फिर बैठे बैठे काम करने का, फिर मैं वॉक तो करती हूँ रोज आधा एक घंटा, तो उससे तो मेरे को थोड़ा बहुत फर्क था, लेकिन दवाई लेने के बाद ज़्यादा फर्क 99% तक हो गया था। जी जी जी, तो जो लोग आपको पहले दर्द में देखते थे और अब आपको एकदम बढ़िया से वो देखते हैं कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं अच्छा है। नहीं, बोले मैंने बताया फिर एड्रेस कि इनकी दवाई लिया मैंने तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। तो आप भी जरा देख लीजिए, आपको फर्क पड़ता होगा तो आप लेके आइए ऐसा। हकीम साहब से जुड़कर आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? हकीम साहब की दवाई को लेके तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत 99% तक अच्छा हो गया है, अभी कुछ ज़्यादा दर्द भी नहीं है ऐसा। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कभी आपकी बातचीत हो पाई है उनसे फ़ोन के ज़रिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो पाई है, क्लिनिक से ही मैं दवाई लेके आई हूँ। ठीक है, मुंबई क्लिनिक से आप दवाई लेती हैं? ठीक है, तो अब ये ज़रिया है, आप हकीम साहब से अपनी बात कुछ कहना चाहती हैं,
कोई उन्हें मैसेज देना चाहती है, कोई संदेश उनको देना चाहती हैं, तो ये वो इंटरव्यू आपका सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनको इतना ही कहती कि आपने जो दवाई दिया उसके लिए शुक्रिया, और ऐसे ही बाकी लोगों को भी आप मैसेज के जरिए दवाई दे दिए तो उनका भी कुछ अच्छा हो। अच्छा मैम, एक ज़रूरी सवाल करना चाहूँगी। कल्पना जी, जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे बहुत बाद में अपनाते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, ऐसे हर कोई सोचता है। तो आपने पहले जो है बाकी दवाइयाँ अपनाई, फिर आप बाद में यूनानी ट्रीटमेंट पर आए, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे पहले से ही ये दवाइयाँ अपना लेनी चाहिए थी? क्योंकि आपके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपना रहे हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपना रहे हैं, तो उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? उनको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी एक बार यूनानी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको फ़र्क पड़ता होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो घरेलू नुस्खों को आप कितना सही मानती हैं? आपको नहीं लगता ये झंझट है? नहीं, तो घरेलू नुस्खों भी मैं कभी कभी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम कोई इमरजेंसी रही तो उनमें भी मुझे फर्क पड़ जाता है कभी कभी, फर्क पड़ जाता है। एक्सरसाइज वगैरह सब करती हूँ। एक्सरसाइज भी करती हैं सुबह में? सुबह करती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आपका क्या शेड्यूल रहता है? उठने के बाद आप क्या क्या काम करती हैं? उठने के बाद तो फिर पहले पानी भरने का काम रहता है, फिर कपड़े धोने का काम रहता है, बाद में फिर बाकी का बच्चे लोग काम पे जाने का रहे तो फिर वो लोग उठ जाते हैं, तो फिर उनका चाय पानी नाश्ता वगैरह ऐसा। तो बच्चों के काम करने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं, ऐसा तो कोई तकलीफ नहीं। तो जाते जाते दर्शकों, आप सभी को सुनवाते हैं कल्पना जी के बेटे कार्तिक के, अब वो कितना खुश हैं अपनी माता जी को स्वस्थ और सेहतमंद देख के। एक बच्चे की जो खुशी होती है जब उनके माता पिता ठीक हो जाते हैं, लंबी बीमारी से जब वो लड़ रहे होते हैं, बहुत सारे उपचार कर चुके होते हैं तब भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब उनकी खुशी इस तरह की हो गई है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं दर्शकों। तो चलिए कार्तिक जी से सुनते हैं कि वो कितना ज़्यादा खुश है अपनी माता जी को लेके। मेरा नाम कार्तिक है, मैं नल बाज़ार मुंबई में रहने वाला हूँ, और जैसे कि हम सबको पता है हमारी मम्मी रोज़ सुबह उठ के किचन में हमारा सब स्कूल का काम और हमारा काम करती है, उसकी वजह से उनको आगे जाके एज में बैक पेन, लेग पेन और सब तकलीफ़ होती है। उसके लिए मेरी मम्मी ने भी सब बाहर के इलाज ट्राई किए, सब डॉक्टर्स के पास सब मेडिसिन वगैरह, और उनको कुछ इलाज नहीं हुआ, तो उन्होंने बाद में हकीम सुलेमान जी की नुस्खे अपनाए और उसकी वजह से उनको बहुत रिलीफ है अभी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, उनको बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ हकीम सुलेमान जी को इसके लिए।